इसलिए घर में छह से बेसिया बोल रहा है, बेसिया तो बेसिया है, कोई बोलता है गहना ला लो, कोई बोलता है बीट कर ला लो, लेकिन सरकार ने चलो, कोई कहता है मेरे लिए ऐसे साड़ी ले आओ। अभी एक दिन उसने राम दरबार में डाकू डाल करके बहुत पैसा लूट कर लाया। बेसिया ने देखा सदर होते ही सिया लग जाएंगे, अगर पकड़े गए तो सबके सब जेल में चले जाएंगे। उसको रात आना भी खत्म कर दो, एक साथ में छह बजे आकर मिल गया, दो ने दो हाथ पकड़ लिया, दो ने दो दो पैर पकड़ लिया, दो ने रस्सी ला कर गले में फांद लगाया, बुरी तरह से मारने के लिए कोशिश की, मरा नहीं, जलते हुए अंगार मुंह में ठोस ठोस करके मार डाला, गड्ढे को तोड़ के चले। किसने पूछा पति कहाँ गया, बोले वो विदेश गया है पैसा कमाने के। देखो जो अपना पति को छोड़कर के पराई पुरुष में आसक्ति है, इसको कहते हैं वैश्या। देखो हमारी असली पति कौन है, जो भगवान को छोड़ करके इन्हीं कामों से उल्टा उल्टा चीज सुने, जिसने इन्हीं आंखों से प्रभु को छोड़ करके उल्टा उल्टा चीज देखे, जो प्रभु को छोड़ करके जल्दी जल्दी बात बोले प्रभु को छोड़ करके, तब यही इंद्रिया हमारी वैश्या के काम करती है। क्योंकि हमारा जो असली पति कहते हैं ना, ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, वर बरी और गोपाल दूसरे से जुड़ा हुआ और बुरी तरह से उसको मार कर चले गए। अभी वो प्रताप भ्रमण करते करते भ्रमण करते करते घर में देखा, कभी बिल्ली बन कर गई, कभी घोड़े बन कर गई, तरह तरह से उसको डराने के लिए कोशिश करता है। उसने पूछा भैया तू है कौन, वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। उसने पानी लेके एक मंत्र पढ़ दिया, जब उसको ऊपर में छिड़काव कर दिया अपना पाप उसको खत्म हो गया। फिर उसने बात किया, बोले अहम भ्राता तो दियस्मि, मैं तेरे भैया में धुंधुकारी हूँ, क्यों तेरे नाम पर गया है, मैंने पिंड दिया है, तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतना पाप, इतने पाप मैंने किए, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दो मुक्ति नहीं मिली। तो उसने दूसरे दिन उन्होंने सूर्य देवता को प्रश्न की, सूर्य देवता ने कहा ये भागवत कथा सुनाओ इससे मुक्ति मिलेगी। तो उन्हें 7 दान बांस काट दिए, उसमें उनका स्थापन कर दिए, पहला दिन में पहला दान, दूसरे दिन में दूसरे दान, 7 दिन में उनकी 7 दान खत्म हो गई। बोले हम भी ना, हमारे पास में भी 7 दान है, हमारे जो 7 जगह पर हम खा सकते हैं, और ये ब्रह्मांड है ना, कि भूर भूगव मोह जगत तप सत्य, ये 7 लोग ऊपर जो अवेलेबल हो गए। अगर हमें भी भगवत प्राप्ति करना है, हमारे अंदर के जो 7 दान है, हमारे अंदर भी तरह तरह का
आसक्ति है, ये दुनिया की जो बंधन है, जब तक ये गांठ नहीं कटेगी तब तक हम भी भगवत धाम को नहीं जा सकेंगे। सात दिन में सात गांठ कट गई, इसलिए ये भागवत जो है सात दिन, ये सात दिन क्यों है? अगर आप सात दिन की कथा सुनेंगे ना, जो पहला दिन की कथा सुनेगा वो पहला दिन ही गांठ कट जाएगी, दूसरे दिन गांठ, मतलब ये संसार का जो आसक्ति जो बंधन है, एक एक दिन कथा सुनोगे हमारे भी एक एक गांठ खुल जाएगी। और सात दिन में जो है हम भी संसार से मुक्त होंगे, संसार के भी हमारे लिए मुक्ति मिल जाएगी। इतने में वैकुंठ से नाथ हरिया लेने के लिए बड़ा सुंदर विष्णु रूप का रूप धारण करके जब जा रहा था, जो कथा सुनाने वाला जो गोपर्ण था, उन्होंने प्रश्न किया, बोले देखो यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए कथा सुनने के लिए, आप एक ही व्रत सबके लिए व्रत लाना चाहिए ना? लेकिन विष्णु दूत ने कहा देखो देखने के लिए तो इतने लोग बैठे हैं, लेकिन कथा यहाँ पर ठीक ठीक से कोई नहीं सुन, बोले ऐसे कैसे यहाँ पर बैठे हुए थे, बोले बैठने पर थोड़ी हुई, बोले बैठने पर भी नहीं होगा, बोले कभी भी आप देंगे वो क्या कभी कह रहे हैं, बोले विश्वास गुरु के सु स्वस्ति दिगंत भावन। देखो कथा सुनने के लिए जो पहला चीज है ये विश्वास, ये भक्ति में है, भक्ति में सबसे पहला जो विश्वास होना चाहिए। अगर मैं विश्वास नहीं हो, जैसे एक बच्चा लेकर पढ़ाई करता है, कितना साल तक पढ़ता है, 25 साल तक, कोई एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर, कितना साल, 25 साल तक एक बच्चा पढ़ाई करता है, उसको बाद में जाकर के कोई कष्ट सफरिंग से नौकरी मिलता है, पहले से अगर वो बोलेगा अरे इतने बच्चों को नौकरी नहीं मिला, अगर हम 25 साल तक इतने लिखाई पढ़ाई पैसा खर्चा करते हैं, इतने दिमाग खराब करेंगे तो नौकरी नहीं मिला, अगर बच्चा अगर ऐसे सोचे वो पढ़ सकता है, उसको कोई गारंटी है तो पढ़ने के बाद नौकरी मिलेगा? 25 साल तक आपको पता होगा तुमने पैसा जितनी मेहनत की तभी तो जान लिया कि उसको नौकरी मिलना है। फिर उसी तरह अगर हमें भी प्रभु की भक्ति में भी नौकरी ठाकुर को धाम में जाना है ना, भक्ति का सबसे पहला चीज है विश्वास, ये विश्वास होनी चाहिए। अगर कोई बोले अरे ये पंडित लोग है ना, ये अपना पेट पालने के लिए इस भोजन पिसा कविता कविता सब कथा कहानी मन करता है, ये सब के सब अंदर विश्वास है। अगर कोई बोले ये सब के सब ये अंदर विश्वास है, फिर तो इसको भक्ति में उसे स्थान नहीं है, इसको भक्ति में कोई स्थान नहीं है। इसलिए कहते सबसे पहला जो वस्तु है उसको भगवान और भगवत कथा गीता भागवत उसको विश्वास करना चाहिए। दूर का बात क्या जानते हैं, ध्यान दे कोई सुनो, आप किसी मुसलमान को देख लो, आप कभी भी नहीं सुनोगे एक मुसलमान अपना कुरान ऊपर में ये सजदा करता, कभी आपने सुना एक मुसलमान उसने कभी अपना कुरान सजदा कभी कभी सुना नहीं। आप किसी भी क्रिश्चियन भैया कभी भी नहीं देखोगे वो अपना बाइबल ऊपर में कोई संदेश दे, लेकिन हमारे हिंदू इतने नालायक है, इतने नालायक है हिंदू, ये हिंदू धर्म जो है ना ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है, आपको सनातन कहते हैं, हमारे जो धर्म है ये सनातन है, सनातन मतलब जाने का धर्म, सनातन का मतलब होता है सनातन, सदा मतलब होता है धन संदेह, तन मतलब होता है प्रकाश, जो धर्म हर समय प्रकाश ही है। हमारे धर्म कब से आया जानते हो, सृष्टि से पहले, पहले भगवान के नारायण का नाम ही तुमने से ब्रह्मा से सुन लिया, भगवान ब्रह्मा को ही पहले भगवत दिए, ब्रह्मा के नारद की गोद लिए, नारद व्यास दिए, व्यास उन्होंने श्री सुखदेव को दिए, ये सत्य जीव से हमें धर्म हो गई, सत्य जीव से जितने भगवान को थे तो राम कृष्ण किसी से भी मिलते, अगर महाभारत अगर भक्ति की कहीं सुपात सूक्ष्म विवेचना में जब हमारे हिंदू धर्म में सनातन और ये सनातन धर्म सृष्टि से पहले, अभी अंग्रेजी में कौन सा मसला चल रहा है 2013
कितना चल रहा है, 2008 इसका मतलब क्या है, ये जो क्रिश्चियन धर्म है वो शुरुआत 2008 के साल से, उसको पहले इसका कोई कोई जगह में कोई क्रिश्चियन करते नहीं। मुसलमान धर्म देखो 1000-1500 साल पहले कोई इधर धर्म ही नहीं थे, कोई धर्म नहीं था जगत में। ये बात में जितने भी धर्म आप सुनोगे कोई 5 साल पहले कोई 1000-1500 उसको पहले कोई धर्म नहीं, लेकिन हमारे मुसलमान धर्म में ये सृष्टि से पहले ही धर्म है, सृष्टि से पहले ही हमारे धर्म है। लेकिन दुख की बात है ये हिंदू भी ऐसे मान रहे थे जो कि अपना वेद पुराण को पढ़ के शंका करता है, लेकिन किसी मुसलमान को नहीं लेते हुए मैं अपनी कथा करने जय जय गया था अपनी कथा करने जा रहा था। चलो ध्यान से देखिए मैं कथा करने जा रहा हूं, ये एक मुसलमान बच्चे ने कथा पतंग उड़ा दी, वो मुसलमान को कुमार था काम सारे को मुसलमान बच्चा, मैंने उसको पूछा बच्चे को मैंने वो बच्चे को पूछा बोला कितने साल उम्र से तुम लोग कुरान पढ़ रहे हो, देखो क्या कहते हैं हम लोग सुना दिए तुम माता है, वो कह रहा है कि हमारे मुसलमान धर्म में 2 साल उम्र से ही कंपल्सरी इसको कुरान पढ़ना है, 2 साल उम्र से इसको कुरान पढ़ना है। अब देखना स्कूल वाले को छोटे छोटे बच्चे की टोपी पहना करके मैं रोज को स्कूल अध्ययन कर दूँ, देखेंगे ना देखे होंगे तुम्हारे किसी बच्चे को बोलो घंटा का कल स्लो बना कितना अटक सकता है, गंदी गंदी उंगली गंदी गंदी क्रिकेटर देखना इतना बच्चों को जितने घंटा बोलता है कि सारे गंदी गंदी स्मार्ट बन ले उसको 10-20 हजार रुपये का स्मार्ट बन ले उसको पकड़ा देते हैं, लेकिन कभी कितना मतलब बच्चों को नहीं बोलता तू एक बार घंटा ना बोलो बोलते हुए भी मेरे बच्चे को स्मार्ट बन ले स्मार्ट बन ले लेकिन उसको ऊपर पे पूजा करेंगे, मतलब आप इतने नाला इतने नाला है देखते हैं आप किस एगर में हैं, आप किस एगर में हैं, देखो हमारी गीता में कितने सत्री है, अब लोग इसको का नाम सुने हम लोग लोग मैंने लोग लोग बचा के इसको मैंने ये अमेरिका में काम करने सुनो गीता में क्या चीज है, ये अमेरिका में जो गीता जयंती आ रही है तो गीता जयंती में गीता में बैठे हैं एकदम लाइन जाने पर फिर भी जाते तो यहाँ गीता लो गीता लो विदेश में जाकर के अंदर ही बसते हैं, एक व्यक्ति प्लेन से उतरा उतरा तो उसको बोले ये गीता लो बोले नहीं, और फिर दूर गए और एक व्यक्ति बोले गीता लो बोले नहीं, और उधर के 10 व्यक्ति लाने लगे उसे बोले तो नहीं कहीं नहीं करना, उसने देखा बोले 10 आदमी खड़े हुए बोले गीता 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 बोले 2-3 गाना देखो ले लेना, उसने एक गीता ले लिया अपना गला करके पीछे देखा कि वो क्रिश्चियन को नहीं सही है, देखो हम ध्यान देकर सुना उसने गला करके गीता के रख लिया, तो एक ही तो व्यक्ति इतना डिप्रेशन में आ गया विदेश में, इतनी डिप्रेशन में आ गया सोचा मैं आप लोग क्या करूंगा, तुम तो विदेश में ना इतने प्रेम है बच्चे बड़े हो गए 15-16 साल जब खर्च नहीं गए पत्नी वहां पर कुत्ते को नाम पर नाम बुलाना जरूर है, लेकिन अपना पत्नी पिता का नाम पर कोई क्यों तो पता नहीं कब छोड़ दे जाएंगे, लेकिन कम से कम कुत्ता तो जन्म देगा, कुत्ता तो जन्म देगा मतलब उनका प्रेम ही अभाव हो, एक एक दिन वो इतना डिप्रेस में आ गया सोचा मैंने कि सोचा मैंने आत्महत्या कर दूंगा, वो बैठे हो तो आत्महत्या कर लेंगे, वो इतने में उसका ठिकाना बन गया, उसने जब ग्राह को खोला खोल के जब हाथ डाला वो बंदूक नहीं आ रही थी आती थी, जब ये गीता में गई इतने में उसने गीता को बोला आप क्यों वहां पर गीता खोल दी, जो खोल गया उसने लिखा हुआ था पहला जो उसने पढ़ा भगवान कृष्ण गीता का बंधन को समझाते हैं
हे अर्जुन अगर तुम जीवन में शांति और सुख पाना चाहते हो बोले तमेव सर्वं तथा सर्वभावं धारयतु तत् प्रसादाभावं शान्ति बोले जब तक कि भगवान की शरण में नहीं जाना नहीं भले ही दुनिया के कितने वैभव को प्राप्त कर ले जीवन सुखी हो ही नहीं सकता जीवन तभी सुखी होगा जब जीवात्मा परमात्मा की शरण उसके बगैर कभी शांति सुख नहीं पा सकता इसलिए अर्जुन अगर जीवन में सुख पाना चाहते हो तो मेरे शरण में आओ लेकिन हम क्या करते हैं सुख पाना चाहते हैं सब बीबी के प्रेम में सुख मिल जाए शांत पैसा कमाने पर सुख मिल जाए शांत बच्चे को प्रेम करने पर सुख मिल जाए कृष्ण कहते हैं ये जड़ वस्तु है लेकिन ये नश्वर होने वाले वस्तु जो वस्तु एक दिन खत्म होने वाले तो वे आनंद कहाँ पा सकते हैं लेकिन जो आनंद में है जो रस स्वरूप है प्रेम स्वरूप है वो तुम्हें आनंद दे सकता है तो भगवान भगवान समझा रहे मधु कि जो शरीर है ये एक कपड़ा है जैसे कोई कपड़ा जो पुराना हो जाए तो फिर उसको छोड़ करके हमें भी नए कपड़े धारण करने हैं उसी तरह जो जीवात्मा केवल एक शरीर को बदला करके दूसरे शरीर को बदल सकता है इसलिए जो आत्मा है न जानते न प्रियते अच्छे भी तो सांसों के इसलिए अर्जुन अगर सुख पाना चाहते हो मेरे से देखो वो व्यक्ति वो सुसाइड करने जा देखो ये गीता क्या वस्तु है वो सुसाइड क्या करेगा वो रात भर गीता में पढ़ता है रात भर उसने गीता पढ़ा उसका दिमाग बदल गया ये गीता के ऐसे दोनों दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं ना अद्भुत ज्ञान दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं जिसको सुनकर जो अर्जुन का मुंह भी बदल गया उसे कहा कि उसे गीता पढ़ने लगा उसने स्वयं शायद करना छोड़ दिया बल्कि गीता में आई नहीं सकता उसका एड्रेस बताएगा ढूंढते 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 उसका एड्रेस उनका घर पहुंच गया वहां पर वो संत लोग थे विदेश लोग वहां पर गए उन्होंने उनको पश्चिम काम से मिला उनको एकदम सही से काम से मिला उसने सब कुछ छोड़ करके हम जैसे कि गौरव पसंद करते हैं उन्हें सब कुछ छोड़ करके संन्यास किया और अभी संपूर्ण पृथ्वी में उसने ये गीता संपूर्ण पृथ्वी के संन्यास ग्रंथ में प्रचार किया देखो मरने वाला व्यक्ति जो बंदूक पकड़ के अपने को सुसाइड करने जा रहा था मारने जा रहा था उसको गीता ग्रंथ आ गया तो मृत्यु को चुप कर दी और संपूर्ण व्यक्ति के संन्यास करके अभी भी उसे बताया दुनिया में अपने सनातन धर्म की रचना कर ऐसे रमन की गीता हुई लेकिन दुख की बात है हमारे घर का देखना चाहते हैं रामायण कैसे पहले पिता माता की चरण में कैसे छूते थे हैं पिता के चरण में कैसे जमा लगा करते भाई भाई के राम मंदिर में कैसे बैठी है उसे उसको देश का नाम तो भजन भला भजन क्या मतलब है दुखों ने रोना है अब लगा वो लोग एक माता वो लोग भी हमारे ग्रंथों को आदर करते हैं मेरे नाम कुछ ना हो तो वही पिता माता का जो मंदा मंदा पिक्चर पिक्चर सारे बच्चों को कोई संस्कार नहीं ठीक है ना कथा सुनने का तो कब मिलेगा मतलब कि पहले तो गुरु ने किया तुमने पहले विश्वास से सुनने का पहले ये काम करें देखा कि छोटे से कामें सुनते हैं मतलब कि सुनते हैं तो एक समय को ये शिष्य ये रोज एक नदी काम करते थे अपना गुरु जी के पास से हमें कथा सुनना और गुरु जी की आश्रम की सेवा करके अरे शाम को वो पंक्त सुन एक जैसे मंदिर में उत्सव होता है एक दिन कोई उत्सव हुई अभी मंदिर में बहुत सारी सेवा करना पड़ता है करते करते हो गया रात